अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको फैंसी फैब्रिक दिखा रही हूँ, नेट फैब्रिक के ऊपर, जैसे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई होती है, पर्ल्स लगे होते हैं, 3D फ्लावर्स लगे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बहुत से लोगों के हमारे प्रीवियस वीडियोज़ पर, ट्यूटोरियल्स पर कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बताएँ हम कहाँ से लेंगे, किस तरह से लेंगे। तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, आप अपने मार्केट में जाएँ, जो आपकी शहर की सबसे बेस्ट शॉप है उनसे पता करें, उनके पास ये ज़रूर होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये छोटा सा सिटी है खानेवाल, यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो बड़ी सिटीज़ में और हर सिटी में इंशाल्लाह अवेलेबल होगा, जैसे मुल्तान हो गया, कराची वगैरह, बड़ी सिटीज़ में तो अवेलेबल होता ही, और वहीं से ये फैब्रिक हर सिटी में जाता है। तो आप लेना चाहें तो ये आपको मिल जाएगा, और ये सारे डिज़ाइन मार्केट में अवेलेबल है, इवन खानेवाल सिटी में भी अवेलेबल है। अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आके भी ले सकते हैं, लेकिन आपको उस तरह से थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा, क्योंकि आपको रेंट लगाना पड़ेगा अपना। लेकिन ये फैब्रिक है भी एक्सपेंसिव, लेकिन उतना ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं 3D फैब्रिक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, इसमें फ्लावर्स, बीड्स, और अगर आप इसकी मैक्सी या शर्ट भी बनाती हैं बहुत ही हसीन बनेगी। अगर आप सिंपल शर्ट बनाती हैं तो वो भी बहुत प्यारी लगती है, सिंपल शर्ट के साथ अच्छा सा जामावार वाला ट्राउज़र बना लें, सिंपल नेट का दुपट्टा कर लें, और शर्ट बहुत हैवी हो गई है तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेसिंग हो जाएगी। जैसे कि आप हम अक्सर ही देखते हैं हमारी वीडियोस में, पिक्चर्स में, सिंपल ड्रेसेस भी होते हैं तो उनमें इस तरह का जो फैंसी शर्ट होती है इन्हीं ट्रिक्स से बनाई जाती है। हमने बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि आप एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक ले लें, उसके ऊपर थोड़े बहुत बीड्स वगैरह लगा लें, नग वगैरह लगा लें, उसी की वजह से आपके ड्रेसेस बहुत हसीन हो जाते हैं। जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसी ट्रिक को आजमाते हैं और अपने ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें राय लाजमी दिया करें, इससे हमें अंदाज़ा होता है आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।